हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करने वाले हैं एक जजमेंट के बारे में जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट का जजमेंट है 376 और पॉस्को में जमानत से संबंधित है, जिसमें आरोपी को जमानत दे दी गई और पीड़िता पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई। अब देखिए, पॉस्को कानून जो बनाया गया था, पॉस्को बनाने के पीछे यही रीज़न था कि जो है जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं उनको लैंगिक अपराधों से, यौन शोषण से बचाया जा सके। लेकिन इस कानून का दुरुपयोग भयंकर तरीके से आज की डेट में हमारे समाज में होने लगा, निर्दोष व्यक्तियों को फंसाया जाने लगा, एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। देखिए, हर कानून का पर्पज़ तो सही होता है लेकिन उसका मिसयूज़ हर व्यक्ति करते हैं। देखिए, पॉस्को के मामलों में क्या होता है, हर ज़िले में एक स्पेशल इसकी कोर्ट होती है, इसका ट्रायल अलग तरीके से चलता है। इसमें बेल जो होती है लगभग लगभग असंभव होती है, लोअर कोर्ट में बेल इसकी लगभग मिलना असंभव होती है और हाई कोर्ट में भी कई बार सालों लग जाते हैं। लेकिन मैंने लोअर कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी कई बेल करा रखी हुई है। खैर, हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, एक केस था फैजान अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट में मैटर चलता है जिसमें कोर्ट के द्वारा आरोपी को जमानत दी जाती है और पीड़िता पर कुछ 3-4 महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी जाती हैं। देखिए, एक महिला होती है, उसकी बेटी जो है एक व्यक्ति के साथ जाती है, वो मौसी के यहाँ मिलाने के नाम पर उसको लेके जाता है और वहाँ पर उसकी मौसी नहीं होती तो दोनों लोग वहीं साथ रहते हैं कुछ टाइम तक। और उसके बाद लड़की की उम्र 15 साल लगभग होती है और वो लड़का उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। इसकी माँ के द्वारा ये शिकायत करी जाती है। अब लेकिन वास्तविकता क्या होती है, लड़की जो है वहाँ अपनी मौसी के यहाँ से आने के बाद एक टाइम पीरियड बाद जो है लड़के के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही होती है और व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते उसकी बहन ने उसको पकड़ लिया होता है। जब उसकी बहन उसको पकड़ लेती है तो लड़की अपने बहन को बताती है कि उसके साथ फैजान द्वारा जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप किया गया और धमकाया गया, डराया गया कि किसी को बताना मत, अगर तुम किसी को बताओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ऐसा करके उसने एक स्टोरी नरेट करी और उन्होंने जो है उसको माना और उसके बेसिस पर लड़की बड़ी बहन ने जो है अपनी मदर को बताया, मदर ने जो है उसके ऊपर एक FIR लिखा दिया। FIR में जो सेक्शन लगाया गया 363 लगाया गया, 376 लगाया गया, 506 लगाया गया IPC का और उसके बाद 4x8 पॉक्सो एक्ट लगाया, ये एक्ट लगा दिया गया, ठीक। अब सेशन कोर्ट में लड़का बेल के लिए एप्लीकेशन मूव करता है और बहुत सारी दलीलें देता है, उन दलीलों को ना सुनते हुए सेशन कोर्ट उसकी बेल को खारिज कर देता है। लेकिन ये बेल जाती है जब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब बेल जाती है तो हाई कोर्ट अपना एक अलग ऑब्जर्वेशन लेके चलता है और हाई कोर्ट उसमें महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। कोर्ट मानता है कि लड़की नाबालिग है और नाबालिग कंसेंट से अगर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाता है, भले उसने कंसेंट दी हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता। नाबालिग की कंसेंट शुरू से शून्य होती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। कंसेंट ऑफ माइनर इज़ नॉट एप्लीकेबल एनीवेयर, एकदम ये करेक्ट फैक्ट है, ठीक है। अब कोर्ट इसमें दो महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ करती है, ठीक है। कोर्ट कहती है कि लड़की के 161 और 164 के बयान में वो कहती है कि वो स्वेच्छा से लड़के के साथ गई थी, तो 363 जो लगा हुआ तो लगना नहीं चाहिए। तो लड़की कहती कि स्वेच्छा से गई हुई थी और वो उसके साथ प्यार करती थी और इसीलिए उसके साथ रहने लगी थी, ठीक। अब कोर्ट फिर ये चीज़ कहता है कि संबंध बनाने के लिए उसने सहमति दी है या नहीं दी है, ये तो एविडेंस की स्टेज पर पता चलेगा। लेकिन लड़की ये जानती थी कि वो अपने कृत्य जो वो कर रही है, उसके साथ रह रही है, उसके साथ जा रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा, ठीक। लड़की स्वयं जानती है कि वो जो कर रही है, समझिएगा, जो कर रही है उसके जो कृत्य होंगे उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुई। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह था कि उसने अपनी स्वेच्छा से गई है, उसके परिणाम, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लड़की को पता है, तो उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है ये कहना संभव नहीं है, ठीक। और इसी आधार पर लड़के की जमानत हो जाती है कि क्योंकि लड़की जो होती है जब चैटिंग करते हुए उसकी बहन ने उसको पकड़ लिया होता है, ठीक है, जब लड़की को चैटिंग करते हुए उसकी बहन ने पकड़ लिया होता है तो वो FIR लिखा देते हैं, FIR लिखा देते हैं जब, तो उसके बाद फिर लड़के को जेल हो जाती है, क्योंकि जब तक वो, अगर वो पकड़ी ना जाती तो शायद वो FIR नहीं लिखाती, क्योंकि घटना के कई दिनों बाद वो चैटिंग करते हुए पकड़ी गई। तो इसी डिले इन FIR के ग्राउंड के बेसिस पर, उसमें मेडिकल भी नहीं रहा होगा, डिले इन FIR रही होगी, सिर्फ किसी की ओरल बात के ऊपर जेल में लंबे समय के लिए नहीं रखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपकी FIR अगर 376 की है उसमें डिले इन FIR है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मेडिकल है, और अगर आपने कुछ किया ही नहीं, कभी मिले ही नहीं हो, कोई जो है नो
CDR लोकेशन वगैरह नहीं मैच कर रही है, तब तो 110% आपका बेल का ग्राउंड है, अगर लड़ोगे तो पक्का पक्का बेल मिल जाने वाली है। तो डिले इन FIR के ऊपर उसको बेल दी गई और कहा गया कि लड़की अपने मर्जी से गई है। तो इसलिए अगर रेप के केसेस लगे भी हैं तो डरना नहीं है, उसको डट कर लड़ना है। बस हाँ, यू हैव टू चूज़ योर लॉयर वाइसली, अपना वकील सही से चुनिए। और दूसरी चीज़, जब मान लीजिए कोई धमकियाँ आपको दे रहा है कि आपके ऊपर फॉल्स 376 के मुकदमे लिखा सकता है, या सुसाइड करके फंसा सकता है, या कोई अन्य मुकदमे लिखा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन एहतियातन पहले ही CGM साहब की कोर्ट में डाल देनी चाहिए, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में आपको इसको डाल देनी चाहिए। जब आप सेक्शन 39 की पिटीशन डाल दोगे, ठीक, तो सबसे खास चीज़ है कि इसमें अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा। जब अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा, वो कोई एक्शन नहीं लेगा। जब भविष्य में कभी वो एक्शन कोई लेता है, तब आप बच जाओगे, क्योंकि इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप लगा दोगे कि आपने कोर्ट में पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आपकी बचत हो जाएगी। इसलिए पहले कर दीजिए, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने पुलिस अथॉरिटीज़ को एप्लीकेशन दी कि ये मुझे झूठे मुकदमे में फंसा सकती है, तो पुलिस वाले तुरंत उसको बुला लेंगे, उससे भी वसूली करेंगे, तुमसे भी करेंगे, और वो झल्ला के तुम्हारे ऊपर तुरंत FIR लिखा देगी। इसलिए 39 के पिटीशन का इस्तेमाल करो। खैर, वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। डिले इन FIR, एब्सेंस ऑफ मेडिकल, ठीक है, एब्सेंस ऑफ लोकेशन, ये सब चीज़ें जो है आपका नो बेल का ग्राउंड है और बेल मिलती है। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़िएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।